जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय जसोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय जसोदा जीवन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय जसोदा जीवन जय जामुन तीर बन चारी जय कुंज बिहारी जय जामुन तीर बन चारी राधा बिनोद बिहारी जय जय जामुन तीर बन चारी राधा माधव बिहारी जय जामुन चारी राधा कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण नित्य गौर हरी बोल हरी बोल हरी बोल
परमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञान तिमिराम धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकाबदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बोल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण कर इतिहास अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गत कल्ले हम लोग श्रीमान नित्यानंद प्रभु का महिमा को श्रवण कर रहे थे। यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जेत के न नित्यानंद चैतन्य रहे तब उसे चरण धन रहो का हृदय नित्यानंद निंदा करे जे पापिष्ट जन गंगा उतार देखे करे पलायन। यहाँ पर कहते हैं भले ही श्री नित्यानंद प्रभु श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का जो कुछ क्यों नहीं लगे लेकिन नित्यानंद प्रभु का चरण कमल हर समय मेरे हृदय में निवास करे। अगर कोई व्यक्ति श्री नित्यानंद प्रभु को निंदा करता है, हैं? अगर कोई पापिष्ट श्री नित्यानंद प्रभु को निंदा करते हैं बोले गंगा और ताहर देखी करे पलाए कदी जो गंगा है अगर वो गंगा स्नान करने के लिए जाए गंगा देवी जब देखते हैं ये कोई वैष्णव अपराध है कोई नित्यानंद प्रभु और कोई वैष्णव चरण में अपराध किया है कहते गंगा भी वहाँ के डर के मार भाग जाती है। गंगा भी उसको वो सोचता है शायद मैंने गंगा में स्नान किया है लेकिन यहाँ पर कहते हैं वास्तव रूप में गंगा भी उसने स्नान नहीं किया गंगा भी उनको डरती हैं गंगा स्नान करने उसे नहीं देती हैं। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे अगर कभी भगवान कभी असंतुष्ट हो जाए वैष्णव और गुरुदेव ये हमें उद्धार कर सकते हैं लेकिन अगर गुरुदेव अगर वैष्णव कभी हमारे ऊपर नाराज हो जाए कहते भगवान हमारी कोई कल्याण नहीं करते हैं। इसलिए कल नित्यानंद प्रभु कथा सुन रहे थे कहते द्वादश अध्याय में भी
श्री नित्यानंद प्रभु को और कुछ महिमा को गा रहे हैं। बोले प्रभु बोले नामे नित्यानंद तुमी रूपे नित्यानंद यही तुमी नित्यानंद राम मूर्तिमंत। प्रभु बोले एक खानी कौपनी तुमार देह इहा बड़ इच्छा अच्छा अमर। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को महिमा गा रहे क्या बोल रहे। बोले नामे नित्यानंद तुमी रूपे नित्यानंद। कहते उनका नाम नित्यानंद क्यों नाम है। नित्यानंद मतलब क्या है। नित्य मतलब जो हर समय आनंद में जो रहते हैं इसलिए उनका नाम नित्यानंद है। इसलिए कहते आपका आप रूप में भी नित्यानंद हो हैं। इसलिए आपका जो मूर्ति है वो भी नित्यानंद मूर्ति है। ऐसे के कारण क्या है। नित्यानंद हर समय क्यों नित्यानंद में रहते हैं कारण क्या। बोले कारण है हम भी कभी यही नित्यानंद में हम भी कभी डूब सकते हैं। बोले कब डूब सकते हैं। अगर श्रीमान नित्यानंद प्रभु का आदर्श को अगर हम जीवन में कभी ग्रहण करें हम भी हर समय नित्य आनंद में हम भी डूब सकते हैं। हैं कहते कारण क्या नित्यानंद में कारण की कारण है। कहते ये नित्यानंद प्रभु करते हैं क्या। कहते ये नित्यानंद प्रभु करते हैं क्या। कहते से नित्यानंद प्रभु हर समय भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। साक्षात अभिन्न बलदेव प्रभु जगन्नाथ अभिन्न है लेकिन होते हुए भी कृष्ण अभिन्न होते हुए भी करते हैं क्या हर समय भगवान का नाम रूप गुण में नित्यानंद प्रभु डूबे रहते हैं। अगर हम भी अगर हर समय भगवान की कथा में भगवान का कीर्तन में भगवान की सेवा में अगर हम भी हर समय करते रहे ना। इसलिए बोले अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण तोय। कहते भगवान का जो चरण है उसमें अशोक और उसमें अभय कोई डर नहीं और उसमें अमृत है। अगर हम उस समय हर समय डूबे रहे भगवान भी क्या करते हैं। बोले काल चक्र डराए देखिया विष्णुदास। अगर हम सचमुच से भक्त बन सके भगवान की भक्ति कर सके। कहते काल को दुनिया डरता है लेकिन काल किसको डरता है भक्तों को डरता है। और भगवान क्या बोलते हैं हर समय में भक्तों को मैं रक्षा करता हूँ हर समय भक्तों को मैं रक्षा करता हूँ। लेकिन भक्त बनना बड़ा सख्त है। भक्त बनना बड़ा सख्त है। बोलना जितने आसानी है ना करना उतना आसानी नहीं है। इतने आसानी नहीं। अगर हम हर समय 24 घंटा में 24 घंटा उनका नाम रूप गुण लीला कथा में हर समय डूबे रहो हर समय डूबे रहो। इसलिए भक्ति मोहन ठाकुर कीर्तन कहते ना बोले आत्मनि वेदन तू आपद करी हाय नो परमा सोखी दुख दूर गेला चिंता ना रहिला चौदी गे आनंद देखी अशोक भय अमृत आधार तुम्हार चरण दोय ताहते खना विश्राम लभिया छाड़ी नो भवेर भय। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते बोले प्रभु आत्मनिवेदन तुआ पद करी हैनो परम सुखी। संसार में जीव हर समय दुखी दुखी है लेकिन कहते हम सुखी कब बनेंगे। बोले जब हम खुद को खुद भगवान का चरण में हम आत्मनिवेदन कर देंगे संपूर्ण शरणागति हो जाएंगे। हैं हैनो परम सुखी। बोले दुख दूरे गला चिंता ना रहिलो। दुख कब तक कब दुख आता है जब स्वयं कर्ता बनते हैं हम सब कर सकते हैं। हैं करता तब दुखी रहता है लेकिन जब भगवान की चरण में हम समर्पित हो गए। बोले दुख दूर गला चिंता ना रहिलो। हमारा अभी कोई चिंता नहीं हमारे साथ दुख गया और चौदी गए आनंद देखी सर्वत्र आनंद ही आनंद है सर्वत्र आनंद ही आनंद है। तुम लोग देख लो जैसे मंदिर में देखो देखो मंदिर में आनंद ही आनंद है ना कोई चिंता है। एक व्यक्ति है ए व्यक्ति संसार में रहे तो सवेरे से लेकर के शाम तक कितना परिश्रम करता है कितना परिश्रम करता है अपना बीवी बच्चे अपना संसार को पालन करने के लिए कितना परिश्रम करता है।
दिन भर परिश्रम करते 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 रात को चैन से किसी तरह से दो रोटी खाता है, फिर सो जाता है, फिर सवेरे घर में नमक है कि नहीं, हल्दी है कि नहीं, तेल है कि नहीं, चावल है कि नहीं, यहाँ पर कोई चिंता करता है? कोई मंदिर में चावल है कि नहीं, तेल है कि नहीं, नमक है कि नहीं, घर में खाना हो कि नहीं, कोई चिंता करते हो? कोई चिंता नहीं। बोले बाबा जी महाप्रभु है चावल के लगे थे, बोले मठे रहोचे खटरे सोचे, हैं मठे रहोची और खटरे सोची, समझ रहे हो? कहते किसी साधु को पूछा, बोले बाबा जी कितना किलो, एक किलो दाल कितना रुपया है? बट मठ में रहता खाता हूँ और खटिया कपड़े सोता हूँ, हमको क्या पता है दाल किलो कितना, चावल किलो कितना, हमारा कोई पता ही नहीं है। देखो अभी हमारी जो भक्ति है, अभी हमारी जो भक्ति है ना, अभी जो श्रद्धा का जो डेफिनेशन है, अभी हमारी श्रद्धा भी पक्की श्रद्धा नहीं, हमारी श्रद्धा भी कच्ची श्रद्धा है, श्रद्धा भी हमारी कच्ची श्रद्धा। तभी हर समय भगवान की कथा में, कीर्तन में, भगवान के नाम में, भगवान के प्रसाद में, भगवान के आरती में नाचो कूदो, तभी दुनिया की कोई भी है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये गौड़ीय मठ नहीं, ये वृंदावन से राधा रानी का निकुंज महल है, ये राधा रानी की निकुंज महल है। अभी हमारी साधन भी, गुरुदेव एक कथा सुना रहे थे, बोले एक समय क्या हुआ, किसने कहीं चोरी किया, चोरी किया तो अभी एक पुलिस सीआईडी ने वो चोर को पकड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, उसने साधु वैसे बना लिया वो चोर को पकड़ने के लिए। और पुलिस था ही लंबे चौड़े मोटे छोटे एकदम गोरे था, और जब उसने लाल कपड़ा पहन लिया ना और भी चमक आ गया है, चमक आ गया। और उसने दाढ़ी अपना मोच दाढ़ी को उन्होंने बढ़ा दिया और जा करके झूठ मूठ का जा करके जंगल में बैठ गया। वो उसका मूल उद्देश्य था चोरी को, चोर को कैसे पकड़े हैं। वो जब जंगल में गया वो कुछ नाटक किया, जब कोई कुछ खाने के लिए देना, नहीं हम कुछ नहीं लेते, हम कुछ खाना नहीं खाते हैं। इसलिए अभी ये बात प्रचार हो गया, एक बड़ा साधु तेजस्वीपूर्ण साधु जंगल में भजन कर रहा है, कुछ देने पर भी कुछ नहीं लेता है, पूरा चारी तरफ में प्रचार हो गया, बहुत बड़ा साधु, और हमारे भारत में जानते हो हैं। इसलिए अभी तो हल्ला हो गया सारा दुनिया में, है कितने लोग आने लग गए दर्शन करने के लिए, पाम पड़ते हैं, चरण धुल लेते हैं, और रुपया पैसा का ना इतने वहां पर इकट्ठा हो गया। वो सोच रहा है वो पुलिस सीआईडी, बोले अभी मैं केवल ढोंग रच आया, केवल मैंने ड्रेस पहना, अभी मैंने साधु नहीं भजन नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं एक चोर को पकड़ने के लिए ड्रेस पहन लिया और इतना पैसा आ गया जिंदगी में, भैया तुम्हें कोई पैसा कमा ही नहीं सकता इतना। अगर सचमुच से मैं अगर सही साधु बन गया ना, फिर पता नहीं क्या होगा। उसने पुलिस सीआईड छोड़ दिया, उसने छोड़ के साधु बन गया उसने। आपको कुछ दिन पहले आपको पता होगा एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर कैसे साधु बन गया, सारा दुनिया में कितना उसके लिए कितना बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था, साधु बन गया कैसे, क्या नाम था उसका, हाँ नहीं, और एक उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर, हाँ पांडा, पांडा कोई पांडा था, उसने बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था, पर दुनिया में हल्ला हो गया उसको लेकर के, और सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसने साधु बन गया, भक्त बन गया। हमारे जो गुरु जी थे, हमारे महाराज, वो भी पुलिस ऑफिसर थे, हैं वो भी पुलिस ऑफिसर थे, इसलिए वो भी सब छोड़ करके, गुरुदेव अपना कथा खुद सुनाया करते थे, कहीं साधु संघ में गई कथा सुनने के लिए तो कृष्ण स्वयं आकर गुरु जी का रूप लेकर कृष्ण स्वयं वहां पर ड्यूटी दे रहे थे कृष्ण। अगर अगर हम अगर भगवान की सही भक्त बन जाए ना, बस हम सोच भी नहीं सकते हमें क्या मिल सकता है, हैं? इसलिए क्या करो, एकदम दृढ़ता पूर्वक मन को लगा करके निष्कपट रूप में क्या करो, भगवान की भक्ति करने के लिए कोशिश करो। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो जोर से, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए यहाँ पर कह रहे कहते नाम में भी आप नित्यानंद हो, रूप में भी नित्यानंद हो,
हैं, आप सब कुछ में आप नित्य आनंद हो। कारण क्या? जो भगवान की भक्ति भजन करे वो तो आनंद आनंद में रहेगा, है आनंद आनंद में रहेगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? आप आपका कौपीन हमें दे दो, आपका कौपीन हमें दे दो। कौपीन समझ रहे हो ना? हाँ, क्या ये? इसलिए कहते आपकी हम जो लंगोटी है, इसको लंगोटी हिंदी में लंगोटी कहते हैं, इसलिए आपका लंगोटी दे दो, कौपीन लंगोटी दे दो। जब उन्होंने लंगोटी दी, उन्होंने लेकर उन्होंने क्या किया, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु उसको टुकड़े टुकड़े करके काटे, हैं टुकड़े टुकड़े काटे, काट कर सब भक्तों को बांटा। भक्तों ने क्या किया, अपना जैसे सर पर पगड़ी बांधते हैं ना, उसको उन्होंने अपना सर पर उन्होंने पगड़ी बांध लिया, हैं पगड़ी बांध लिया। यहाँ पर कह रहे हैं, अब देखना, कमर से जो नीचे का भाग है उसको अच्छा नहीं मानते। इसलिए हम लोग जो देखो, ये जो उत्तरी हम पहनते हैं, चीज को अच्छे तरह सुनो, जो चीज हम उत्तरी रूप में धारण करते हैं, कभी भी उसी वस्त्र को कमर से नीचे भाग में कभी नहीं पहननी चाहिए। अगर कमर से नीचे कभी अगर उत्तरी को पहन लिया, वो उत्तरी कभी तुम गले में धारण नहीं कर सकते हो। इसको गले में फिर हम कभी इसको धारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका जो कमर से नीचे भाग है ये अपवित्र है, है? उसमें विष्टा मूत्र चरण उसमें उसको नीचे माना गया है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन जो वैष्णव का जो नीचे है ऐसे नहीं, बल्कि ज्यादा पवित्र है, वैष्णव का ज्यादा पवित्र है। इसलिए लंगोटी इसको हम अपवित्र मानते हैं, अपना लंगोटी को अपवित्र मानते हैं वो चीज को। लेकिन उन्होंने वो लंगोटी को लेकर के क्या किया, भक्तों ने अपना सर पर उन्होंने अपना पगड़ी बांधे बनाया, है अपना पगड़ी बांधे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, कितना भक्त पद दुलिहार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष तीन ऐ साधन रे बल। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, भक्तों का चरणामृत, भक्तों की चरण धूलि, भक्तों की अधरामृत क्या करता है, कहते भगवान की भक्ति देने में बड़ा ताकत रखता है, बड़ा ताकत रखता है, हैं? इसलिए कहते छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पेछे के वा। हाँ, इसलिए यहाँ कहते हैं, कहते वैष्णव का मलमूत्र भी पवित्र है, वैष्णव का मलमूत्र। इसलिए लोकनाथ दास गोस्वामी जब उन्होंने मल त्याग करते थे, नरोत्तम दास ठाकुर जाकर क्या करते थे, उनका मल को उन्होंने अपना हाथों से साफ करते थे। कहते ऋषभ देव की कथा आती है, कहते वो जब मलमूत्र त्याग करते थे उसका सुगंध जाता, उसमें चंदन अगुर कर्पूर की सुगंध निकलते थे, हैं? उससे सुगंध निकलते थे उससे। इसलिए कहते वैष्णव का ये सब वस्तु, कहते सबके सब पवित्र वस्तु है। इसलिए यहाँ पर जो चरणामृत भक्तों का है, कहते जिस चरणामृत लेने से भक्त क्या मिलता है, भगवान की भक्ति मिलती है। और कहते भक्तों का जो नाभि देश का जो नीचे वस्तु है ये पवित्र वस्तु, इसलिए भगवान स्वयं क्या कहते हैं, अनुब्रजामि अहम नित्यम पुयेत अंगिर रेणु। भी भगवान स्वयं कहते हैं, भक्तों की चरण धूलि के लिए मैं स्वयं पीछे पीछे भागता हूँ, इनका चरण धूलि उड़ करके मेरे सर पर गिरे और मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान स्वयं कहते हैं, वैष्णव का चरण धूलि अगर मेरे सर पर पड़ेगा तो मैं स्वयं पवित्र हो जाऊंगा, इतने। और यहाँ पर तो कहते स्वयं नित्यानंद प्रभु, स्वयं बलदेव प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद, हैं? कहते ये जो उनका जो कौपिनी, उनका जो लंगोटी, कहते जोगेश्वर लोग भी प्रार्थना करते हैं, नारद आदि लोग भी प्रार्थना करते हैं। कहते उसका अगर सर में बांधोगे क्या मिलेगा, कहते नित्यानंद प्रभु का जो लंगोटी अगर सर में बांधोगे तो क्या मिलेगा, कहते जैसे श्री नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, कहते नित्यानंद प्रभु जैसे हैं सर्व इंद्रियों को द्वारा भगवान की भक्ति करते हैं, हैं भक्ति करते हैं। और श्री नित्यानंद प्रभु हैं, कहते श्री नित्यानंद प्रभु ये संदिनी शक्ति की अधिष्ठान देवता श्री नित्यानंद प्रभु। इसलिए बोले हे नानी ताई बीने भाई, राधा कृष्ण पाई ते नाई, दृढ़ करी धर नितायर पाय, नितायर करुणा हवे, प्रजे राधा कृष्ण पावे, दृढ़ करी धर
निताई रिपाई। इसलिए कहते हैं ना निताई बिने भाई राधा कृष्ण भाई ते नाही। जब तक नित्यानंद प्रभु कृपा नहीं होगा राधा कृष्ण हमें नहीं मिल सकता है। निताई करुणा हवे ब्रज राधा कृष्ण पावे। इसलिए संसार रे पार हैया भक्ति रे सागरे जे डूबी वे से भजुक। इसलिए जो व्यक्ति संसार से पार होकर की भक्ति रस में गोता लगाना चाहते वो क्या करे, श्री नित्यानंद प्रभु का चरण को आश्रय ग्रहण करे। इसलिए कहते श्री नित्यानंद प्रभु हर तरह से हैं, कितने तरह से नित्यानंद प्रभु सेवा करते हैं। कहते ये श्री नित्यानंद प्रभु हैं, कहते इनकी पालक भी है, कहते इनकी रक्षक भी है, कृष्ण की पालक भी की, क्योंकि बड़े भाई रूप में आए ना, आए थे पहले लक्ष्मण रूप में आए थे, लेकिन उनको आदेश पालन करना पड़ा, ऐसे कुछ आदेश पालन करना पड़ा जो कि सेवक धर्म के विरुद्ध है। बोला और मैं कभी छोटा बनकर नहीं आऊंगा, क्या बनेगा बड़ा बनकर आऊंगा। इसलिए उन्होंने कृष्ण लीला में श्री बलदेव प्रभु, महाप्रभु लीला में श्री नित्यानंद प्रभु बनकर के आए। उन्होंने क्या बने, इसलिए जब कृष्ण गोचारण करने जाते थे मैया बलदेव प्रभु को बोलते थे, वो जानते थे बलदेव प्रभु थोड़ा समझदार है, हैं इतना स्थिर, और कन्हैया तो बड़ा नटखट है, हैं सांप देख तो पकड़ने के लिए जाए, तलवार देख तो आग देख तो पता नहीं। इसलिए बोलते थे ताऊ ये कन्हैया को थोड़ा देखना, ये चंचल है, ये बच्चा है, उसको थोड़ा देखना। इसलिए बलदेव प्रभु क्या कहते, इनकी रक्षक है, कहते उनकी पालक है, कहते उनकी जनक है, और कृष्ण का बंधु भी है। कहते हर तरह से उनकी सेवा करते थे, और क्या करते थे, कहते इन्होंने कहते दास्य सख्य बात्सल रस में तो सेवा किया है, लेकिन कहते उन्होंने श्रृंगार रस में भी उन्होंने सेवा की। कहते श्रृंगार रस में कैसे सेवा की, कहते ये राधा रानी की छोटी बहन बन करके आई, हाँ छोटी बहन अनंग मंजरी बन करके आई है। इसलिए कहते ये अनंग मंजरी उन्होंने बड़ी कृष्ण राधा जी की सेवा की, इतना उन्होंने सेवा की अनंग मंजरी। एक दिन राधा रानी खुश हो गई, खुश होकर बोले बताओ तू बड़ी सेवा कर रहे हो मेरी, कृष्ण मेरी, बताओ तुम्हारा मन में कोई इच्छा है। बोले कभी कभी इच्छा होता है कृष्ण का बाप, तो आप जहाँ खड़ी रहती है ना कृष्ण का बाप पार्श्व में, हमें भी कभी खड़ी होने का सुजग देना है, कभी हमें भी वो स्थान देना। राधा रानी बोले ठीक है कोई बात नहीं, जब कलयुग आएगा कहते श्री गोपीनाथ की बाम पार्श्व में मैं तुम्हें स्थान दे दूंगा, और गोपीनाथ की दाहिने तरफ में मैं खड़ी हो जाऊंगा। इसलिए आप देखना कहीं भी गोपीनाथ आप देखोगे उनका बाम पार्श्व में श्री राधा रानी नहीं दिखेंगे, वहां पर श्री अनंग मंजरी दिखेगी है, अनंग मंजरी दिखेगी। कदी कदी नित्यानंद प्रभु है, ये नित्यानंद प्रभु अनंग मंजरी रूप में उनकी श्रृंगार रस में भी ये उनकी सेवा करती हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, कहते यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं अगर कोई नित्यानंद प्रभु का लंगोटी कोई सर में बांधेगा ना, जैसे श्री नित्यानंद प्रभु हर समय कृष्ण भक्ति कृष्ण सेवा करते हैं पंच रस और दस शरीर से। दस शरीर क्या क्या है, उनका छत्र है, उनकी चामर है, उनकी पादुका है, उनके अलंकार है, उनके वस्त्र है, उनकी जनेऊ है। इसलिए हर तरह से जैसे सेवा नित्यानंद प्रभु करती हैं, उनकी अगर कोई लंगोटी को बांधेगा तो उनको क्या होगा, ऐसे उनको भक्ति प्राप्ति होगी, ये सेवा उनको प्राप्ति होगा, उनको अंदर में कृष्ण भक्ति है, उनके हृदय में जागृत होगा है। इसलिए कहते हैं बेदर अगम नित्यानंदेर चरित्र सर्व जीव जनक रक्षक सर्व मित्र। यहाँ पर कह रहे हैं बोले बेदर अगम नित्यानंदर चरित्र, कहते नित्यानंद प्रभु का जो चरित्र है कहते बेदर अगम्य, वेद भी जिनको समझ नहीं पाते हैं। बोले सर्व जीव जनक रक्षक सर्व मित्र, कहते हर जीव का जनक कौन है, नित्यानंद प्रभु। हर जीव का रक्षक कौन है, नित्यानंद प्रभु। कहते हर जीव का मित्र कौन है, बोले नित्यानंद प्रभु। इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद कहते हैं कहते महावैकुंठ में जो वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह महावैकुंठ में चतुर्व्यूह है। कहते चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है कहते वह संकर्षण से फिर तीन विष्णु प्रकट होते हैं, कारण तो गर्भ तो गसाई और क्षीराब्धि साई।
कदि कारण दर्शाई क्या करते हैं, कदि कारण दर्शाई जब माया दक्षिण प्रकृति सुरते सरचराचर, जब ये माया के प्रति वो दृष्टि करते हैं तब माया खबित होकर के क्या करती है, अनंत ब्रह्मांड को सृष्टि करती है, अनंत ब्रह्मांड है सृष्टि करती है। सृष्टि करने पर कदि ये गर्भ दशाई क्या करते हैं, कद हर ब्रह्मांड में एक एक रूप धारण करते हुए शयन करते हैं, और जिनकी शरीर की पसीना से आधा ब्रह्मांड भर देते हैं, और जिनकी नाभि कमल से पितामह ब्रह्मा जी सृष्टि हुए, ब्रह्मा जी सृष्टि हुए, फिर ब्रह्मा जी को भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया, उनका आदेश दिया, फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, ये सारा दुनिया को सृष्टि किया है। और फिर आप दिशा विष्णु रूप में हर जीव का हृदय में जो एक अंगुष्ठ परिमाण में जो परमात्मा है, यह हर जीव के हृदय में निवास करते परमात्मा रूप में, और शेष रूप में भगवान की सज्जा बने हुए है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये सर्वजीव का जनक यही है, सर्वजीव का जनक यही, क्योंकि ये जो गर्भ दशाएं विष्णु है इनसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर ब्रह्मा जी को आदेश दिया तो उन्होंने फिर धरा दुनिया को सृष्टि किया, फिर क्षीर दशाई रूप में क्या करे, सभी का हृदय में परमात्मा रूप बैठे। इसलिए दुनिया का जनक कौन हो गए, श्री नित्यानंद प्रभु, रक्षक ये सबका मित्र भी यही है। इसलिए कृष्ण की सेवा करके सेवा रस को आस्वादन करते हैं, सेवा कर ले सेवा वृत्ति। इसलिए अगर नित्यानंद प्रभु का अगर कोई सेवा करेगा तो उसका हृदय में नित्यानंद प्रभु जैसे महाप्रभु की सेवा कृष्ण सेवा करते हैं, जीव का हृदय में भी वही कृष्ण सेवा की उपासना उनमें सिद्ध होगा। बोले जय जय नित्यानंद चरणारविंद, जहां है ते पाइनु श्री राधा गोविंद, कहते जय जय नित्यानंद चरणारविंद, जहां है ते पाइनु श्री राधा गोविंद, जिनकी कृपा से राधा गोविंद का प्राप्त होता है जीव का है। इसलिए अभी महाप्रभु आदेश दिया, पहले तो उनकी लंगोटी को सर पर बांधे है, उसके बाद में फिर महाप्रभु क्या आदेश देते हैं, सबके सब नित्यानंद प्रभु का चरण को अभिषेक करो, और उनका चरण को अभिषेक करके उनकी चरणामृत पान करो। अभी भक्त लोगों ने नित्यानंद प्रभु का चरण को उन्होंने अभिषेक किया, और अभिषेक करते हुए सबके सब भक्त लोग ने नित्यानंद प्रभु का चरणामृत को सबके सब पान किया, चरणामृत सब लोग पान कर क्या बोलते हैं, आज हमारे जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन हमारी धन्य हो गया। बोले क्यों, बोले नित्यानंद प्रभु का चरणामृत मिला, इतना आसानी नहीं, भक्तों का चरणामृत इतने आसानी नहीं, कहते भक्त लोग सहज में चरणामृत नहीं देते हैं, सहज में अपना चरणामृत भक्त लोग कभी नहीं देते हैं। इसलिए महाप्रभु भी क्या सिखा दिया, महाप्रभु जब जगन्नाथ मंदिर में गुंडीचा मंदिर मार्जन कर रहे थे, किसी भक्त ने क्या किया, चरण धोकर चरणामृत ले लिया, महाप्रभु बिगड़ गए, स्वरूप दामोदर को बोले देखो ये तुम्हारी गौड़िया क्या कर रहा है, भगवान की मंदिर में चरण धोकर के क्या कर रहा है, चरणामृत मेरा अपराध हुआ है। और महाप्रभु जब जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते थे क्या करते थे, अपना चरण धो करके जाते थे और गोविंद को खड़े कर देते थे, बोले देखो जब तक ये चरणामृत नहीं सूख जाएगा तब तक तुम नहीं जाना। कहते महाप्रभु ये सबसे क्या क्यों, महाप्रभु देखा अगर मैं अगर अपना चरणामृत धो करके दो ना, ये कलिजुग में सब जीव आएंगे हैं, ये कलिजुग में सब अनधिकारी जीव आएंगे और वो क्या करेंगे, अपना चरण धो करके चरणामृत सबको बांटेंगे। इसलिए यहाँ प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं, कहते यहाँ पर एक शिक्षा देते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को टीबी रोग है, किसको टीबी रोग, अगर आप उसका झूठा खाओगे ना तुमको क्या होगा, तुम्हें भी टीबी रोग हो जाएगी है। कहते उसी तरह जिसका अंदर में ये भक्ति का बीमारी है ना, भक्ति भी एक बीमारी, ये भी एक बीमारी है, सबसे बड़ा वायरस है ये, अभी जैसे कोरोना आया ना ये भी एक वायरस है। इसलिए देखो गांव में एक अगर तिलक कंटीदारी बन गया ना, तेना झट एक ग्रुप बन जाता है, है? जैसे झट ग्रुप बनकर क्या करते है, बस कीर्तन मृदंग लेकर जैसे बड़ो तुम जैसे कीर्तन करते, ऐसे सब के सब कीर्तन कर ले जाते। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये भी एक तरह का वायरस है, ये अभी देखो सारा पृथ्वी में जहाँ जहाँ गया सब जगह में सबको तिलक कंठी मालाधारी लगा दिया है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं ये भक्ति भक्ति भी जिसके अंदर में भक्ति है,
अगर उनकी अधरामृत चरणामृत अगर पाएंगे तो हमें क्या करेगा, हमारे अंदर में वो रोग संक्रमित हो जाएगा। हिल वाले भक्त पद धुली आर भक्त पद जल भक्त भुक्त शेष तीन साधन बल, ये बड़े ताकत रखता है। भक्ति दिन में सबसे सरल उपाय है ये तीन चीज, सबके सरल उपाय है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं आज हमारी जीवन धन्य हो गया, क्यों, वैष्णव का चरणामृत हमें मिला। किसकी, वैष्णव में जो अग्रगण्य, वैष्णव अग्रगण्य कौन है, श्री बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु का हमें आज चरणामृत मिला, आज जीवन हमारी धन्य हो गया है। कोई कहते हैं आज तो हमारे सारे बंधन खत्म, बंधन हमारी खत्म हो गया, लेकिन कोई कहते हैं आज से नित्यानंद प्रभु का चरणामृत पा करके आज से हम कृष्ण का दास बन गए हैं, कृष्ण का दास बन गए। कोई कहता है भैया आज का जो दिन है ना सबसे बढ़िया दिन है, क्यों, आज नित्यानंद प्रभु का आज हमें चरणामृत मिला है। आज का जो दिन है पता नहीं सवेरे उठकर किसका मुंह हमने देखा था हैं, किसका हमने मुंह देखा था, आज नित्यानंद प्रभु का हमारी चरणामृत मिला। कोई कहते भैया ये नित्यानंद प्रभु का चरणामृत में तो बड़ा स्वाद है, हाँ इसमें बड़ा स्वाद है। कोई कहते भैया जब से चरणामृत लिया है ना तब से मुंह से मिठाई नहीं जाता है, इतने मीठा उसमें इतने, इसलिए निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुड़ाए, जिसकी चरण की छाया से विश्व ब्रह्मांड तृप्त हो जाते हैं। कहते मुंह से मिठाई नहीं जा रहा है, इसलिए सब कृष्ण प्रेम में सबके सब क्या हो गए, चंचल हो गए, चंचल होकर कोई नाच रहे, कोई गा, कोई गा रहे हैं, कोई जमीन पर लोट पोट खा रहे, कोई बिहोल हो रहे हैं, हैं? इसलिए अपनार, इसलिए कहते पान निरत भक्त अपनार आत्मस्वरूप बोध भगवत दास बुझते बारे, जो भक्तों का चरणामृत नित्यानंदपुर लिया क्या हो सकता है, मैं जो हम भगवान का नित्य सेवक है, कभी ये वृत्ति इसका हृदय में जागृत हो जाता है, हैं, जागृत होता है। महाप्रभु कहते हैं ए नित्यानंद स्वरूप जे बा जे करे भक्ति श्रद्धा से करे अमार, यहाँ पर कहते हैं जो व्यक्ति से नित्यानंद प्रभु को हैं चरण में भक्ति करते हैं वो मेरे को ही भक्ति करते हैं, नित्यानंद प्रभु भक्ति करने से मेरे को भक्ति अपने आप हो जाता है। इसलिए वैष्णव का गुरु जी कृपा होने से भगवान कृपा अपने आप हो जाता है, इसलिए सिद्धि भगवती बानती संशय अच्युत से भी नाम। इसलिए कहते भगवान की भक्तों की सेवा करने से भक्त लोग अगर कृपा कर दे क्या होगा, अपने आप भगवान, इसलिए कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार तुम्हार सकती आछे अमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे, हमें कृष्ण कौन दे सकता है, वैष्णव लोग दे सकते, क्यों, कृष्ण धने धनी तुम्ही कृष्ण तुम्हार हृदय धन है, कृष्ण किसके हृदय के धन है, बोले वैष्णव का हृदय का धन कृष्ण है। अगर वे अगर कृपा कर लेते हैं तुम्ही दिले दीते पारो, अगर आप चाहोगे तो आप कृष्ण हमें दे सकते हो। इसलिए यहाँ नित्यानंद महाप्रभु कहते हैं, कहते श्री नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु को जो भक्ति करते हैं श्रद्धा करते हैं वो मुझे भक्ति करते हैं, इसलिए कहते नित्यानंद प्रभु मेरा अभिन्न कलेवर है। इसलिए नित्यानंद प्रभु सेवा द्वारा महाप्रभु सेवा लाभ है, नित्यानंद प्रभु सेवा से महाप्रभु का सेवा लाभ मिलता है। इसलिए शिव ब्रह्मादि आराध्य श्री नित्यानंद प्रति, अगर कोई अगर नित्यानंद प्रभु का प्रति थोड़ी मात्र भी अगर कुछ का द्वेष रहे ना उसका कभी भक्ति नहीं हो सकता है। अगर नित्यानंद प्रभु का शरीर का हवा भी किसका शरीर में लग गया आवाज उसको भी भगवान की भक्ति हो जाएगा। कहते ये जो द्वादश अध्याय में कहते इसका श्रुति फल बताते हैं, अगर कोई द्वादश अध्याय को श्रवण करेगा ना उसको फल क्या मिलेगा, उसको फल क्या मिलेगा, उसको फल ये मिलेगा, कहते महाप्रभु एक दिन उनकी प्रेम भक्ति में महाप्रभु स्वयं उनकी भक्ति में बसीभूत हो जाएंगे, क्यों, नित्यानंद प्रभु की महिमा सुनने से महाप्रभु अपने आप खुश हो जाते, अपने आप खुश हो जाते। इसलिए बोले श्रीमन नित्यानंद प्रभु की, बोले सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री बलदेव प्रभु की, बोले दाऊ भैया की, बोले दाऊ दयाल की। इसलिए ब्रज में दाऊ दयाल कहते हैं, बलदेव प्रभु को
बड़े दयाल बड़ी कृपाल हुई। इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु हम सबको ऊपर में आशीर्वाद करे, गुरुदेव हम सबको ऊपर में आशीर्वाद करे, जैसे हमारी उनके चरण में भक्ति हो। ठीक है, बोले निताई गो नमनी अमार, निताई गो नमनी अनिया प्रेमेर बन्ना धासाई लबनी। बोलो निताई गो नमनी अमार, निताई गो नमनी अनिया प्रेमेर बन्ना धासाई लब आ प्रेमर बन्ना लैया नीताई आइला गौड़ देते तो मिला भकत गना दिन ही नवाते दिन ही नवा ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम तब कार जाचे आबदा करुणा सिंधु काटिया मुहाना करे घरे भोले प्रेम अमियार बाना करुणा सिंधु काटिया मुहाना लोचन बोले मोर नीताई जे बना भगीला जानिया सुनिया से आत्मघाती है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा
राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा गोविंद राम की जय राधा राम की जय।
परमदयाल ज्ञान प्रभु की जय। सतनंदन गौर हरि की जय। जय परमानंद गुरु पाद महाराज जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत स्वरूप महाराज।